हाय ऑल, मैं हूँ दीपा बन्ना रिश्तेकुड़ी। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। कुछ फैमिली इशू थे और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल रही थी। तो आज मैं ये मेकअप लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी पीजी स्मोकी आई मेकअप है, पर्पल आई मेकअप। और सबसे पहले मैंने ये इनसाइड का प्राइमर लगाया है, जो कि ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, बहुत अच्छा प्राइमर है। और क्योंकि ये पार्टी ग्लैम मेकअप है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर यूज़ किया है। आप इसको देखोगे, जैसे ही मैं इसे ब्लेंड करूँगी ना अपनी स्किन में, नेचुरल ग्लो आ जाता है गाइस। बहुत अच्छा अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, आप लोग भी इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। फिर मैंने ये मेकअप रेवोल्यूशन का न्यू प्रोडक्ट ट्राई किया था। एक्चुअली ये फाइन लाइंस को ब्लर करता है और कैमरे में उतना विजिबल नहीं है, बट हाँ ये काफ़ी हद तक फाइन लाइंस को ब्लर करता है और मुझे ये ठीक लगा। ओके प्रोडक्ट लगा, इतना नेसेसरी नहीं है, बट अगर आपको मेकअप का थोड़ा भी शौक है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। और ये मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया लैक्मे का। कंसीलर मैं बहुत अलग टेक्निक से अप्लाई करती हूँ, इसका वीडियो मेरे चैनल पे शॉर्ट्स में ज़रूर आएगा, आप उसको वॉच करना। और ये मैंने कॉन्टोरिंग की है इनसाइड कॉस्मेटिक के पैलेट से और फिर कंसीलर पैलेट से। और ये लैक्मे 925 का मैंने ये फाउंडेशन यूज़ किया है। ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट फाउंडेशन है, समर्स में मुझे बहुत पसंद है और मेरे कलर शेड भी बिल्कुल मैच करता है। फिर मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक का लूज पाउडर यूज़ किया है, बेकिंग लूज पाउडर, बहुत अच्छा होता है मेकअप को सेट करने के लिए समर्स में स्पेशली। फिर ये मैंने स्विस ब्यूटी का 2-in-1 आईब्रो और आईलाइनर जेल यूज़ किया है आईब्रोज़ के लिए, इसी से मैं लाइनर भी लगाऊंगी। फिर मैंने मल्टी कलर आई शेडो पैलेट में से पिंक शेड लेकर अपने आईलिड पे थोड़ा थोड़ा लगाया, फिर मैंने ब्राउन शेड लिया और उसको अपनी पूरी क्रीज लाइन से लेते हुए पूरी लिड पे लगाया। और फिर मैंने NYBA का ये पेंसिल ब्लैक आई शेडो यूज़ किया, जिसको मैंने रफली अपनी आईलिड पे लगाया और उसको फिर मैंने फ्लैट ब्रश से प्रॉपर स्मच किया। फिर मैंने पिंक शेड लेकर अपने लोअर आईलेट पे अच्छे से उसको स्मच किया। दूसरी साइड भी मैंने सेम प्रोसेस अप्लाई किया और अच्छे से उसको स्मच किया। स्मजिंग की है आई मेकअप का, आप लोग स्मजिंग अगर अच्छे से नहीं करोगे तो आपका कोई भी आई मेकअप अच्छा नहीं खिल कर आएगा। फिर मैंने पर्पल आई शेडो लिया, जिसको क्रीज लाइन पे भी लगाया और उसको मैंने लोअर लैश लाइन पे भी दोनों साइड स्मच करके लगाया, थोड़ा सा स्मोकी अच्छा लुक देने के लिए। फिर मैंने थोड़ा हाइलाइटर लेकर अपने ब्रो बोन पे लगाया दोनों साइड के। और फिर मैंने ये थोड़ा सा स्पार्कल्स लिए, जो कि मुझे थोड़ा सा ग्लैम लुक करना था, तो मैंने इसको थोड़ा सा इनको अपने दोनों आईलिड पे हल्का हल्का लगाया और फिर से उसको एक बार ब्रश की हेल्प से स्मच कर दिया, अच्छे से पूरा मिक्स कर दिया। और देन मैंने ये शिमरी पिंक शेड लेकर अपने सेंटर ऑफ आईलिड्स पे लगाया और एक्स्ट्रा जो भी मैंने बेकिंग पाउडर लगाया था अपने मेकअप को सेट करने के, वो सारा मैंने हटा दिया। फिर मैंने इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया और उसके बाद फेसेस कैनेडा का मैंने काजल अपने दोनों आँखों में अच्छे से लगाया और फिर वही सेम स्विस ब्यूटी का जो आईब्रो और हाइलाइनर जेल था उसी को मैंने अपने लाइनर लगाया उसी के से हेल्प से। और फिर मैंने अपने आईलैशेस को अच्छे से कर्ल किया और उसके बाद मैंने मैग्नेटिक आईलैशेस अप्लाई की। फॉल्सेस हैं, जो कि ये बहुत इजी टू यूज़ है, इनके वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप जाकर ज़रूर वॉच करिएगा शॉर्ट्स में। और फिर मैंने ये स्विस ब्यूटी का ये कॉन्टोर पैलेट लिया, जिसमें से मैंने कॉन्टोरिंग भी की, पाउडर कॉन्टोरिंग, जहाँ जहाँ मुझे नीडेड था वहाँ मैंने कॉन्टोरिंग की। थोड़े से अपने फेस को शार्प लुक देने के लिए मैंने अच्छे से कॉन्टोरिंग की है, मुझे कॉन्टोरिंग करना वैसे बहुत पसंद है। इसी पैलेट का मैंने ब्लश यूज़ किया है, बहुत ही प्यारा प्रिटी पिंकी ब्लश है और बहुत ही नेचुरल ग्लो आता है, मुझे बहुत पसंद है। ग्लैम मेकअप में मैं इसको ही यूज़ करती हूँ। सेम पैलेट से मैंने हाइलाइटर लिया, आप देख लो कितना अच्छा हाईलाइट हुआ, कितनी अच्छी शाइन आ रही है वो नोज़ पे और चीक बोन्स सब जगह मैंने उसको अप्लाई किया। फिर मैंने स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़ किया है पर्पल शेड में और ये लिपस्टिक यार सिर्फ 60 रुपीज़ की मुझे अजियो से मिली थी, बहुत अच्छी लिपस्टिक है, कलर इसका इतना प्यारा है और लॉन्ग लास्टिंग थी गाइड, मैट थी। और ये रहा मेरा मेकअप लुक, आप लोग बताइए आप लोग कैसा लगा ये पार्टी मेकअप। आप हल्के फुल्के संगीत, हल्दी, किसी भी या फेस्टिव कहीं पे भी कर सकते हो, आप लोग इसे ट्राई करो। फॉलो फॉर मोर, बाय।